नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विच इज़ द बेस्ट जेम स्टोन फॉर जेमिनाई, जेमिनाई वाले लोगों के लिए या जेमिनाई असेंडेंट के लिए, जेमिनाई राशि वालों के लिए कौन सा बेस्ट जेम स्टोन होता है। हमने अक्सर देखा है, अक्सर वीडियोज़ में भी आता है या अक्सर आप टीवी पे भी खोलेंगे तो आपकी जेम मिथुन राशि है तो आप ये पत्थर पहनेंगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये भला हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो थ्योरेटिकल बात नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल बात भी करेंगे कि आपकी जेमिनाई राशि है तो आपके लिए कौन सा स्टोन एक्चुअल में आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि दो चीज़ें हमने हमेशा देखी है, अगर आप रिकमेंडेशन भी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले या तो आपका जो राशि का स्टोन है, राशि का लॉर्ड है, उसका स्टोन पहन लीजिए, ये एक हवा में बात होगी। और दूसरी, या फिर आपका जो लॉ है पहले हाउस, पाँचवें हाउस और नौवें हाउस में जो राशि पड़ रही है उसके लॉर्ड का पत्थर पहन लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन मैं बताऊंगा कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इसमें थोड़ी बहुत अपनी तरफ से ऐड करूंगा और आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जेमिनाई यानी कि मिथुन लगन, मिथुन राशि, मिथुन लगन कह लीजिए आप। अब जेमिनाई मिथुन लगन, अगर हम इसकी पत्थर की बात करें तो इसका जो लॉर्ड है वो हो गया मरकरी। मरकरी का पत्थर कौन सा हुआ? एमरल्ड, एमरल्ड यानी पन्ना। तो ये पन्ना पत्थर होता है जो इसके लिए हिसाब से बना हुआ, बुध का पत्थर जिसे हम कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले बुध की प्लेसमेंट का है एक चीज़। सबसे पहले आप ये देखिए कि बुध लॉर्ड किसका होगा, पहले हाउस का और चौथे हाउस का, क्योंकि तीसरी राशि और छठी राशि का लॉर्ड होता है। अब तीसरी राशि और छठी राशि का लॉर्ड, ठीक है, इसका आप पत्थर पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्टडीज़ के लिए भी अच्छा है और प्रॉपर्टी वगैरह के लिए भी अच्छा है। तो कोई यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन कहती है कि आप इसका पत्थर पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक वाली बात। अब अगर इसमें प्लस देखना है तो अगर मरकरी आपका 11th हाउस में या 10th हाउस में बैठता है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है इसका पत्थर पहनना, क्योंकि ये आपको एक ग्रोथ देगा, आपकी लेवल में भी ग्रोथ देगा, आपके जो गेन्स हैं, मान ले प्रॉपर्टी सेल करने में या प्रॉपर्टी परचेज करने में, किसी में भी गेन्स, जो प्रॉपर्टी से गेन्स होने हैं आपको, तो वो आपके गेन्स जो हैं वो इसकी वजह से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक मरकरी ठीक है, मगर अगर मरकरी की प्लेसमेंट 8th हाउस में होती है, 12th हाउस में होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप पहन सकते हो, इतना पॉजिटिव नहीं है मगर इतना नेगेटिव नहीं है, इतना नेगेटिव नहीं है मगर इतना पॉजिटिव भी नहीं है। तो अगर आप मेरे से रिकमेंडेशन लेने आएंगे तो मैं कहूँगा कि अगर पहन लोगे तो भी ठीक है, नहीं पहनोगे तो भी ठीक है। तो खास अगर आप सोच रहे हैं कि कोई चेंजेस आएंगे, नहीं, हाँ थोड़ा सा ग्राफ नेगेटिव की तरफ ज़्यादा रहेगा, डिपेंड करता है कि आपका काम किस चीज़ का है, क्योंकि सारे काम तो नहीं पता ना, हर काम के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट वर्क, अलग अलग हाउसेज वर्क करते हैं। अगर आपके काम में लेबर वर्क है, हार्ड वर्क है, उसके लिए आपको 8th हाउस में प्रॉब्लम नहीं है कि आप डेप्थ तक जाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, मगर अगर आपके काम में डेप्थ नहीं है और उसके बाद अगर आप ये पहनते हैं तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव है। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ कि आप अपने लेवल पे चेक कर रहे हैं तो उसको अवॉइड कर लीजिए, नहीं भी पहनेंगे तो भी चलेगा, पहनने से भी कोई खास प्रॉफिट या खास जैसे हम कहते हैं उपलब्धि नहीं होती। अगर अब हम इसकी दूसरी कंडीशन देखेंगे, पहले हाउस की हमने बात कर ली, अब दूसरी कंडीशन है 5th हाउस की। 5th हाउस के अंदर अगर 5th हाउस की राशि जो है, 5th हाउस के अंदर जो राशि है उसका पत्थर पहन, अगर हम 5th हाउस के अंदर देखें तो 5th हाउस के अंदर राशि पड़ रही है हमारी वीनस। अब वीनस राशि लॉर्ड किसकी है? 5th हाउस की और 12th हाउस की। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका पहन सकते हैं, बट ये सारा डिपेंडेंसी है वीनस की प्लेसमेंट के ऊपर, कि वीनस की प्लेसमेंट का है। अगर ये वीनस की प्लेसमेंट आपने तीन जगहों पर ध्यान रखनी है कि नहीं होनी चाहिए, फिफ्थ में है, फिफ्थ का लॉर्ड है और ट्वेल्थ का लॉर्ड है, हमने ना सिक्स्थ में, ना सेवन्थ में, ना एट्थ में, तीनों जगह वीनस की प्लेसमेंट आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सिक्स के अंदर होगी तो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट देगा वीनस का पत्थर। वीनस का पत्थर कौन सा होता है? वो होता है ओपल या डायमंड, आप पहन सकते हैं। अच्छा, अगर वीनस 7th हाउस में है तो ये आपको पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देगा, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम देगा, यहाँ भी क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। अगर 8th हाउस के अंदर है तो भी प्रॉब्लम है, फिर ये आपके लॉसेस करवाएगा, बिजनेस के लॉसेस होंगे और भी कई तरीके के लॉसेस होंगे, लव अफेयर्स के अंदर काफ़ी सारा, जिसे कहते हैं कि काफ़ी एक एडवर्टाइजमेंट आपकी हो जाएगी और काफ़ी लोगों को, मतलब जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं।
तो ये यहाँ पे वीनस फिफ्थ हाउस का पत्थर है, तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम पहन सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि हमने देखना है ना वो सिक्स्थ में हो, ना वो सेवन्थ में हो, ना वो एट्थ में हो। तो ये तीनों कंडीशन अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए वीनस अच्छा है। इलेवंथ हाउस में होगा तो बेस्ट रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा है। टेंथ हाउस में भी बुरा नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारी अगली कंडीशन की, जो कि है नाइन्थ हाउस का पत्थर। अगर हम नाइन्थ हाउस की बात देखें तो नाइन्थ हाउस में शनि की राशि है, शनि एट्थ और नाइन्थ के रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, बेटर है। शनि को हम रेकमेंड कर सकते हैं कि आप नीलम पत्थर पहन सकते हैं। शनि का पत्थर होता है नीलम, यानी कि ब्लू सफायर, तो आप ब्लू सफायर पहन सकते हैं। बट इसकी एक कंडीशन यही है कि इसके अंदर वो एट्थ हाउस का लॉर्ड है, तो हमने सिक्स और ट्वेल्थ को 100% अवॉइड करना है। कि सैटर्न की प्लेसमेंट हमारे को ना सिक्स में चाहिए ना ट्वेल्थ में चाहिए, और फिफ्थ को भी कोशिश करें अवॉइड करें, फिफ्थ को भी अवॉइड करें, सिक्स को भी अवॉइड करें, कोशिश करें ट्वेल्थ को भी अवॉइड करें, ये तीन हाउसेज अवॉइड करें तो आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने लेवल पे, आगे नक्षत्रों का लेवल होता है वो अलग चीज़ होगी, उसमें कंफ्यूज ना हो, मगर अगर आप अपने लेवल पे चेक कर रहे हैं, किसी ने आपको कह दिया है, तो आप अपने लेवल पे इतना चेक कर सकते हैं कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए अगर आपकी जेमिनी यानी मिथुन लगन की कुंडली है तो आपके लिए कौन सा पत्थर पहनना ठीक है या नहीं। अब मैं एक रिकमेंडेशन अपनी तरफ से दे देता हूँ। रिकमेंडेशन सबसे आसान है कि 10वें 11वें हाउस का अगर लॉर्ड है तो आप उसका पत्थर पहन सकते हैं। इसमें अगर हम देखें, हमारे लिए मंगल का पत्थर बहुत सूट करेगा, मूंगा जिसे हम कहते हैं, मूंगा इसके लिए बहुत बेटर है। क्योंकि मूंगा अगर है तो ये ध्यान रखना कि वो जो रिजल्ट्स देगा वो हमारे को 11वें हाउस के रिजल्ट्स दे रहा है, तो 11वें हाउस हमारे लिए बहुत बेटर है। फर्स्ट का 11वें का पॉलिटिशियन, जैसे मैंने पहले बताया था, फोर्थ का 11वें के साथ कनेक्शन, तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसमें अगर सिक्स में भी आ जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, 1, 6 और 11 के हो जाएंगे, तो भी बुरा नहीं है। एट्थ के अंदर आया था तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्वेल्थ के अंदर आया था तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप रिकमेंडेशन की बात करें तो मंगल का पत्थर यानी कि रेड कॉरल मूंगा आपके लिए ठीक रहेगा अगर आपकी मिथुन लगन की कुंडली है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी। कुछ पूछना चाहते हैं आप तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका शुभ।